व्हाट इज अप फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये रही हमारी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और आप देख सकते इसका जो चेन सेट है ना यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा गंदा रखा है। देखिए यहाँ पे हाथ फेरूँ, देखिए कितना ज़्यादा ये गंदा हो रखा है। और आज मैं आपको यही बताऊँगा कि आप जो क्लासिक 350 का चेन सेट को प्रॉपरली क्लीन कैसे कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपको इसका चेन सेट क्लीन करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो यहाँ पे सारा सामान पड़ा है, ये सारा सामान आपको भी चाहिए होगा इसको क्लीन करने के लिए। इसमें से पहले यहाँ पे एक ब्रश है जिसकी मदद से मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ, मतलब इस ब्रश से जो है साफ अच्छे से हो जाएगा ना इसलिए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक एलन की है। ये सारी एलन की नहीं चाहिए होंगी आपको, आपको सिर्फ इसमें जो है ये 5 नंबर की एलन की है बस यही चाहिए। अगर आपको चाहिए है तो सही है, वरना आप पूरा सेट भी ले सकते हो। उसके अलावा हमें यहाँ पे एक नॉर्मल कपड़ा चाहिए जिसकी मदद से हम साफ करेंगे, और साथ साथ जब हम चेन को क्लीन कर लेंगे उसको लूप भी करना पड़ेगा ना, तो हमें एक लूप भी चाहिए जो यहाँ पे मैं मोटूल की C2 लूप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और उसके अलावा हमें यहाँ पे क्लीनर के तौर पे हम यहाँ पे डीजल का यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो केरोसिन ऑयल या फिर कोई क्लीनर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसी का क्लीनर आता है C1 के नाम से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो इनमें से कोई सा प्रोडक्ट चाहिए या सारे चाहिए तो आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो अब इसकी यहाँ पे क्लीनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इस बाइक को डबल स्टैंड पर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि डबल स्टैंड पर खड़ा करने के बाद ना काफ़ी ईजी जो है चेंज हो पाए। देखो यार, नॉर्मली सब लोग अपनी चेन को यहाँ बार बार से मतलब इस जगह से जो है साफ कर देते हैं और सारी चेन यहाँ से इजीली साफ हो जाती है, लेकिन जो है क्लासिक 350 की सिर्फ इस जगह से चेन साफ नहीं होती है, एक जगह से और उसको साफ करना पड़ता है, वो है यहाँ से, मतलब इस जगह से ये जो कवर है वो खुलता है और उसके बाद जो है यहाँ से भी आपको साफ करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारा मिट्टी और जो है डर्ट वगैरह जमा हो जाता है, तो यहाँ से भी इसको साफ करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो यहीं से साफ करेंगे, तो इसको यहाँ से हमें इन जो साइज स्क्रू है उसको यहाँ से खोलना पड़ेगा, और एलन की का यूज हमारा यहीं पे होगा। 5 नंबर की एलन की लगेगी जो हमें यहाँ पे ये है जो मैंने इसमें निकाल ली है, और इसकी मदद से हम जो इसको अब खोलने वाले हैं ये आसानी से यहाँ फिट हो जाएगी, और ये इस साइड को हमें इसको घुमाना है और ये खुल जाएगा। मतलब कि तो सारी एक ये वाला स्क्रू खोलना है, एक नीचे ये वाला यहाँ पे, और एक इधर नीचे वाला जो स्क्रू है, ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, तीनों के तीनों मैं फटाफट से यहाँ पे खोल देता हूँ। ये स्क्रू बहुत ज्यादा टाइट है, इतना इजीली यहाँ पे खुल नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, पर हाँ एक बार हल्का सा खुल गया फिर तो इजीली ये खुल जाएगा। तो मैंने ये वाला स्क्रू यहाँ पे ढीला कर दिया है, तो पहले सारे के सारे स्क्रू मैं यहाँ पे ढीले कर लेता हूँ, उसके बाद उनको खोलूंगा। तो अभी मैंने सारे स्क्रू जो यहाँ पे ढीले कर लिए हैं, तो अब ये हिलने भी लग गया थोड़ा थोड़ा, तो अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे खोल लेता हूँ, क्योंकि अब इजीली यहाँ पे खुल जाएगा। तो अभी हमारा यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ पे खुल चुका है, 2 स्क्रू बचे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा स्क्रू भी इस टाइम खुल चुका है, तो ये हमारा तीसरा और आखिरी स्क्रू भी यहाँ पे अभी हमारा खुल चुका है, तो अभी इजीली खुल के बाहर आ जाएगा, मैं आपको पास लगा दिखाता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो ये मैं इसको यहाँ पे खोलने जा रहा हूँ, और ये मैंने खोला और काफ़ी भारी है, तो ये देखिए अंदर से यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये गंदा हो रखा है इस टाइम, जिसको साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ना मैं नीचे रखता हूँ, तो ये देखिए सारे में ये जो लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये सारा डर्ट है, मिट्टी है, इतनी सारी यहाँ गंदी हो रखी है, यहाँ से पूरी सारा गंदा रखा है, यहाँ से तो फिर भी लगभग साफ़ ही है, यहाँ से इतना गंदा नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत ये जो पोर्शन है ये भी गंदा हो रखा है, बाकी तो लगभग साफ ही है, पर ये वाला पार्ट हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा रखा है। उससे पहले इसी को क्लीन करते हैं, उसके बाद चेन को क्लीन करेंगे। तो अब इसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे डीजल का यूज़ करने वाले हैं, और साथ साथ इस ब्रश के नीचे वाले इस पार्ट का हम इसको यहाँ पे घिस के क्लीन कर पाएंगे, और साथ साथ मैंने बोतल की इस ढक्कन के ऊपर यहाँ पे छोटा सा छेद कर दिया है, जिसकी मदद से यहाँ पे मैं डीजल को जो है दबाने के बाद इजीली जो है इसके ऊपर यहाँ स्प्रेड कर पाऊंगा। आप चाहे तो नॉर्मली कोई ब्रश मतलब कि जो स्प्रे सी आती है ना 10-20 रुपए की मिल जाती है मार्केट में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर लगा दीजिए उसको, और फिर ईजिली वो स्प्रे हो पाएगा। तो फिलहाल मैं तो इसी से काम चलाने वाला हूँ, इससे मेरा काम चल जाएगा इसलिए, तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड करता हूँ और इसकी मदद से इसको साफ करता हूँ। ये देखिए डीजल की मदद से ना काफ़ी ईजिली साफ हो रहा है, नॉर्मली किसी और लिक्विड का यूज़ करते हैं ना तो इजली साफ नहीं होना था ये, और वो चिपकना था बार बार, लेकिन डीजल कैरोसिन या फिर क्लीनर का यूज़ करोगे तो उनसे काफ़ी ईजिली यहाँ पे साफ हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा पेट्रोल का बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा, पेट्रोल सही नहीं है इस जगह पर क्लीनिंग वर्क के पर्पज़ के लिए, इसलिए तो वहाँ आप सिर्फ डीजल का या फिर कैरोसिन या फिर किसी क्लीनर का यूज़ करिएगा, पेट्रोल का कभी भी मत यूज़ करिएगा। देखो मैंने इसको काफ़ी हद तक ये साफ़ कर दिया है इसको डीजल की मदद से, और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें निकली है, मतलब मिट्टी ही मिट्टी है। हाँ थोड़ा बहुत ग्रीस वगैरह जो है यूज़ करा है, मतलब कि जो लूप्स वगैरह यूज़ करा है वो भी निकला है ग्रीस वगैरह, लेकिन ये देखिए अब कितना अच्छे से साफ़ हो चुका है। और अब इसको कपड़े साफ़ कर दीजिएगा, जब ये सारा साफ़ हो जाएगा यहाँ पर मिट्टी देखिए काफ़ सारा निकल गया है, तो मैं कपड़े से साफ़ कर देता हूँ, अब उसके बाद जो है यहाँ पर चेन की क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो मैंने इस कपड़े से यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दिया है,
तो अब यहाँ इसकी क्लीनिंग तो साफ हो चुकी है, तो अब यहाँ पे चेन की जो क्लीनिंग है उसको साफ शुरू करते हैं और इसको रख देते हैं अब साइड में। तो अब जो है इस पार्ट को जो है थोड़ा बाद में कर देंगे साफ, पहले जो है इस पार्ट को यहाँ पे साफ करते हैं और पूरी चेन को जो है इसकी मदद से यहाँ पे क्लीन करने वाले हैं। हमारा जो ये जो ब्रश है ना इस तरह से जो है इसमें फंस जाएगा उसका, जो हम इसको इजीली क्लीन कर पाएंगे। बल्कि अभी भी यहाँ पे देखिए अभी हल्का सा ही लगा है और यहाँ पे साफ हो चुका है। तो क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सारी चेन के ऊपर ना आप यहाँ पे डीजल एक बार गिरा दो ताकि जो है आपको क्लीनिंग करने में बाद में दिक्कत ना, और काफ़ी इजीली जो है यहाँ पे आप क्लीन कर पाए। तो अभी मैं सारी चेन के ऊपर यहाँ पे अभी डीजल गिरा रहा हूँ धीरे करके और उसके बाद जो इसको ब्रश की मदद से साफ करूंगा। तो अभी मैंने सारी की सारी चेन के ऊपर यहाँ पे डीजल गिरा दिया है। सो अब मैं इसको इस ब्रश की मदद से क्लीन करने वाला हूँ। मैं बस कुछ नहीं करूँगा, इस ब्रश को यहाँ पे फंसा दूंगा और अब जो टायर को यहाँ घुमाने लग जाऊंगा और मेरी चेन यहाँ पे देखिए अपने आप ही क्लीन होने लग जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्लीन ही हो रही है और इसीलिए मैंने इस ब्रश को बाय किया था, क्योंकि इसकी वजह से ना मैं काफ़ी ईजिली इसको क्लीन कर पाऊंगा। तो बस हमें जैसे इसे इस तरह से घुमाना है और चेन अपने आप ही क्लीन होती रहेगी। और काफ़ी हद तक यह क्लीन हो भी गई है, अभी मैं दिखाऊंगा रिजल्ट, पहले अच्छे से मैं क्लीन कर ही लूँ इसको। तो अभी मैंने निचली साइड से तो काफ़ी जो है अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया है और चेन हमारी यहाँ काफ़ी अच्छे से क्लीन हो भी गई है। तो आप देख लीजिए वैसे एक बार ब्रश को, काफ़ी हद तक इसमें जो है डस्ट जो हमारी मिट्टी का सब कुछ यहाँ फंस चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी नीचे से तो हमने एक बार कर दी है, तो अब मैं सोच रहा हूँ एक बार जो ऊपर से भी कर दूंगा थोड़ी तसल्ली सी हो जाएगी। हाँ अभी हमारी चेन यहाँ पे क्लीन हो चुकी है, तो मैं एक बार ऊपर से भी एक बार घुमा दूंगा ताकि जो अंदर का पार्ट है वो भी यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत गंदा हुआ भी है तो ये रहा हुआ है मतलब कि। तो अभी हमारी चेन यहाँ पे अच्छे से साफ हो गई होगी, मेरे हाथ देखिए कितने गंदे हो चुके हैं इसको साफ करने के चक्कर में। पर यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाऊँ कर, तो वैसे मेरे हाथ तो ख़राब है, पहले हाथ थोड़ा साफ करता हूँ। तो अभी मैंने हाथों को साफ कर लिया है, सो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा ये गंदी हो गई है, मतलब ब्रश काफ़ी गंदा हो गया। कह रहे थे साफ़ हो जाएगा, पर हमारी चेन यहाँ पे देखिए अच्छे से अभी यहाँ पे साफ़ हो चुकी है, कंप्लीट चेन यहाँ पे साफ़ हो चुकी है। और यहाँ से भी दिखाऊँ तो आपको, ये देखिए काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुकी है। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो इस ब्रश को ना एक बार साफ़ करके ना दोबारा से एक बार इसके ऊपर फेर दूंगा ताकि प्रॉपरली अच्छे साफ़ हो जाए। उसके बाद जो ये जो चेन का जो ये जो होता है मतलब कि ग्रिल सी होती है इसको भी जो है साफ़ कर देंगे इसकी मदद से, मतलब कि डीजल की मदद से। तो पहले इसको साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से इसको साफ़ करते हैं चेन को, और फिर उसके बाद इसको करेंगे साफ। और यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी मिट्टी जो है चेन से निकली है इस टाइम, जो सारी चेन के ऊपर लगी हुई थी इस टाइम। तो अभी मैं चेन के इस पार्ट को भी जो यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, मैंने सारे के ऊपर अभी मिट्टी का डीजल को लगा दिया है। अब मैं ब्रश को बस इसके ऊपर फेर रहा हूँ, इस तरीके से घुमा रहा हूँ और बस ये अपने आप ही यहाँ पे साफ हो रहा है। इस तरीके से सारा साफ हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो मतलब हो तो जाना चाहिए, बाकी नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर देंगे साफ। तो अभी यहाँ पे पिछला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा तो सारा यहाँ पे साफ़ हो चुका है। तो आप देख सकते चेन यहाँ बिल्कुल अच्छे से ये साफ़ हो चुकी है और काफ़ी नई जैसी हो गई है बस। सो अब जो है चेन तो हमारी यहाँ पे कम्प्लीटली क्लीन हो चुकी है, अब बची है बस ये वाला पार्ट, मतलब यहाँ से ही क्लीन हो चुका है, बस ये जो नीचे का जो हिस्सा है ना इसको साफ़ करना रह गया है। तो इसको ही फटाफट साफ़ करते हैं और फिर जो है इसको पैकअप करके इसके ऊपर लूप लगाते हैं। तो अभी मैंने सारे के ऊपर यहाँ पे डीजल घेर दिया है, सो मैं ब्रश की मदद से यहाँ पे इसको अच्छे से साफ़ कर दूंगा। पहले जो इसकी जो एक ग्रील सी है इसको साफ़ करता हूँ, उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे मिट्टी जमी हुई है ना तो इसको भी यहाँ पे ये मैंने साफ़ कर दिया। तो अभी मैंने ये वाला पार्ट भी यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपकी चेन ढंग से चमक नहीं रही है ना, तो अगर आपके पास ये डीजल बचा हुआ है तो सारी चेन के ऊपर आप डीजल जो है घेर दो एक बार, फिर आपकी जो चेन है वो अच्छे से साफ हो जाएगी। तो मैं सारी की सारी चेन के ऊपर यहाँ पे आप डीजल एक बार घेर देता हूँ, फिर ये बढ़िया चमकने लग जाएगी, मतलब कि सारी की सारी साफ़ हो जाएगी। जब सब कुछ यहाँ पे साफ़ हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी यहाँ पे जो चेन है अच्छे से यहाँ पे देखिए साफ़ हो चुकी है, एकदम नई जैसी हो गई है और यहाँ से एकदम बढ़िया साफ़ हो चुकी है। और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसको थोड़ी देर ऐसी रहने देना है ताकि इसका डीजल जिसके ऊपर लगा हुआ है सारा सूख जाए, और थोड़ी देर मतलब कि लगभग 15-20 मिनट या आधा घंटा या एक घंटे तक जितना चाहें आप उसको ऐसे रख सकते हैं। जब इसका डीजल सूख जाएगा उसके बाद इसके ऊपर लूप लगाएंगे, पर फिलहाल इसको यहाँ पर ओपन ही रहने दीजिए। और साथ साथ हमारा जो ये है ना, ये जो पार्ट है इसके यहाँ वाला, इसको भी थोड़ी देर ऐसे यहाँ पर धूप में क्यों रख देते हैं ताकि जो डीजल इसके ऊपर इसके अंदर है वो सारा जो है जल्दी से सूख जाए। और मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ ना ताकि इजीली सूख पाए, जल्दी सूख पाए, तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसको। उसके अलावा अभी मैंने जो हाथ वगैरह यहाँ पे धो लिए हैं, साफ़ कर लिया है, और साथ साथ इसको भी यहाँ पे जो डीजल से क्लीन कर दिया अच्छे से, और अब ये भी साफ़ हो चुका है। तो इसको भी यहाँ रख देता हूँ डीजल के साथ, डीजल के साथ सॉरी
इसके साथ, ताकि ये भी थोड़ा सूख जाए और डीजल वायर जिसके ऊपर लगा हुआ है वो सारा साफ़ हो जाए। बाकी हमारे यहाँ पे डीजल दिखाऊँ तो ये इतना सा बचा है, क्योंकि मैंने काफ़ी ओपनली यूज़ किया है तो काफ़ी डीजल लग गया, पर खैर इतना ज़रूरी था, ज़रूरी नहीं था वैसे, पर हो गया बस साफ। बाकी गंदगी देखते हैं यहाँ पर कितनी सारी जो डर्ट मिट्टी है सारी यहाँ पर कितना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन खैर हमारी चेन अभी यहाँ पर साफ़ हो चुकी है। बस जैसे ही सूख जाएगा उसके बाद हम जो इसका वो वाला कवर इसके ऊपर यहाँ पे लगा देंगे और फिर जो है इस लूप को यहाँ पे लगा देंगे, मतलब ये चेन के ऊपर। पर फिलहाल इसको यहाँ पे सूखने देते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर लूप लगाएंगे। थोड़ी देर इसको ऐसे रहने देते हैं और मैं भी अपने हाथ पैर धो लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वैसे ना हर लंबे ट्रिप के बाद या फिर हर 5000 किलोमीटर के बाद इस तरह से आपकी चेन का जो क्लीन होना वो काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आपकी जो बाइक है वो बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। बाकी मेरी बाइक बताऊँ आपको तो यहाँ पर अभी 5800 किलोमीटर चली है, तो मैं आप जो है 5000 किलोमीटर पर तक क्लीन हो चुकी है, यहाँ पर चेन काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है। सर्विस के टाइम भी करवाई थी पर उन्होंने ढंग से करी नहीं, तो अभी ने प्रॉपरली कर दी है। अब जो अगली मैं चेन जो क्लीन करूँगा उसको मैं 10000 किलोमीटर पर करूँगा, तो अगर आप वो चाहते हो कि मैं उस टाइम भी वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, मैं उस टाइम भी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो अभी यहाँ पे लगभग एक घंटा हो चुका है, यहाँ पे ये लगभग सूख गया है और इधर हमारी बाइक की जो चेन है वो भी लगभग सूखी गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक कवर सा लगा के फिर इसके ऊपर लूप लगाएंगे, क्योंकि ना यार काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर डीजल लगा दिया था, इस वजह से इसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और ऊपर से यहाँ ठंड भी है तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट नहीं हुआ डीजल। वैसे अगर आपको जल्दी ना तो कपड़े से भी साफ कर सकते हो चेन को, ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। खैर अब इस पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। अब मैं इन स्क्रूज को इसके ऊपर यहाँ फिट कर देता हूँ और अभी थोड़ी लूज लूज ही करूँगा, टाइट सारे लगाने के बाद करूँगा, पहले सारे सारे स्क्रूज मैं लूज लूज लगा देता हूँ। तो अभी मैंने सारे सारे स्क्रूज यहाँ पे जो है लूज लूज करके लगा दिए हैं। अब इस एलन की मदद से 5 नंबर की इन सबको मैं टाइट कर देता हूँ फटाफट से। ध्यान रखिएगा यहाँ वाले सारे स्क्रूज आप अच्छे से टाइट कर दीजिएगा, लूज नहीं रहने चाहिए। तो मैंने इस पार्ट को यहाँ पे जो अच्छे से फिट कर दिया है, इसके स्क्रूज को भी अच्छे से टाइटली टाइट कर दिया है। तो अभी वाला पार्ट तो यहाँ का पार्ट तो हमारा सारा खत्म हो चुका है, अब बस इसका सिर्फ एक ही काम बचा है, हमने बस इसी जो चेन के ऊपर यहाँ पे अब जो है लूप लगानी है। तो लूप हमारी वो पड़ी है, तो अब फटाफट से इसके ऊपर यहाँ पे लूप लगाते हैं और इसका जो चेन क्लीन का काम है वो ख़त्म करते हैं। तो अब मैं सारी चेन के ऊपर यहाँ पे जो है लूप लगा देता हूँ और ध्यान रखिएगा आराम आराम से लगाइएगा, ताकि सारी चेन के ऊपर अच्छे से लूप लग भी जाए और साथ साथ आपके जो टायर वगैरह है, जो टायर के मतलब अलॉयस वगैरह है उसके ऊपर भी जो है लूप नहीं लगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी होती है, तो अगर थोड़ी बहुत मिट्टी अगर आपके जो है अलॉय के ऊपर लग गई जहाँ पे लूप लगी हुई है गिरी हुई है तो सारी मिट्टी वहाँ चिपक जाएगी और वो ईजिली रिमूव भी नहीं होने वाली है। तो ये मैंने अच्छे से अपने सारी चेन के ऊपर यहाँ पर लूप लगा दी है। सो आप क्या करते हैं, आप जो है बाइक को स्टार्ट करते हैं और ये मैंने स्टार्ट करा और यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया और बाइक को ना यहाँ पहले गियर में डाल देता हूँ मैं और यहाँ पे क्लच को छोड़ देता हूँ। अब जो है जो लूप इसके ऊपर लगी हुई है ना वो अच्छे से साइज सही हो जाएगी और मैं सोच रहा थोड़ी बहुत और लूप जो है इसके ऊपर लगाई दूँ, ताकि अगर थोड़ी बहुत रही भी है तो अच्छे से लग जाएगी। तो मैं जितनी सोच जितनी बची हुई है ना, मतलब ऐसे दो बार लगा सकते हैं आप इसको, पर मैं बाबा यूज़ नहीं करने वाला तो मैं इसके ऊपर जो अच्छे से यहाँ पर लगा दूँगा। तो अभी काफ़ी अच्छे से मैंने इसके ऊपर यहाँ पर लूप लगा दी है, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से इतनी लूप इसके ऊपर काफ़ी होगी, तो मैंने काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर यहाँ पर लूप लगा दी है। थोड़ी देर से चलने देते हैं, अभी भी खैर इसको मैं एक बार और यूज़ कर सकता हूँ, अभी आधी और पड़ी है इसके अंदर, लगभग मैंने आधी इसमें यूज़ कर ली है, आधी मैंने लगा दी है और आधी अभी इसके अंदर और पड़ी है। तो खैर अब हमारी जो है बाइक को हम थोड़ी देर स्टार्ट ही रहने देता हूँ, ताकि जो लूप मैंने इसके ऊपर लगाई है वो प्रॉपरली साइज या सारी चेन के ऊपर स्प्रेड हो जाए और बढ़िया काम करने लग जाए। वैसे जब मैंने इसकी चेन की क्लीनिंग करी थी और इसको ग्रीस वगैरह सब कुछ यहाँ पे रिमूव कर दिया था, तो इसमें से जो है थोड़ी मिट्टी सी की साउंड आने लगी थी, खैर मैंने साफ़ कर दिया था, पर क्योंकि बिल्कुल भी लूप थी नहीं इसके ऊपर, इस वजह से इसके ऊपर मिट्टी की साउंड आने लगी। पर अब जब मैंने इसके ऊपर लूप लगा दी है अब कोई भी साउंड नहीं आ रही है, एकदम ओके है, एकदम क्लीन, हमारी एकदम परफेक्टली क्लीन हो चुकी है और मैंने लूप भी लगा दी है और काफ़ी बढ़िया और स्मूथली काम कर रही होगी उसके। वैसे हाँ टायर काफ़ी स्मूथली घूमने लग गया था जब मैंने इसकी चेन की क्लीनिंग करी थी। खैर इस तरीके से जो है आप अपने क्लास 3 50 की चेन को प्रॉपरली और अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो दोस्तों फिर बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, अगर तुम्हें यह ब्लॉग पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, मेजर सब्सक्राइब करें ऐसी और ब्लॉग्स देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।